दोस्तों, कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में दुनिया के तमाम देशों में पहुंच चुका है और बहुत से लोगों को अभी तक प्रभावित कर चुका है। पूरे दुनिया की बात करें तो अब तक लगभग 6 लाख से भी अधिक लोग इस वैश्विक महामारी के चपेट में आते जा रहे हैं। स्थिति काफ़ी भयावह होती जा रही है। लोगों के मन में आशंकाएं, डर और भय व्याप्त होता जा रहा है। लोग इतने ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि वो किसी की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, कोविड-19 या कोरोना एक ऐसा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है जो वायरस की ऐसी प्रजाति है जिसका डुप्लीकेशन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का, यानी लोगों से लोगों के संपर्क होने के कारण होता है और ये ट्रांसमिट करता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसमिट कर जाता है, ये कोरोना वायरस। दोस्तों, मैं जो लोग अभी हमसे जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आज का जो मुद्दा है उस मुद्दे पे मैं बात करूँगा और आज का जो मुख्य मुद्दा बात करने का है तो स्टे होम लॉकडाउन के समर्थन में है। मैं आज टोटल चर्चा ही करूँगा तो लॉकडाउन के बारे में ही करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तब तक मैं कोरोना से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ जब तक और भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और उसके बाद से मैं आज की चर्चा को फिर आगे बढ़ाऊँगा। दोस्तों, अभी तक मैंने कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस जो है एक वायरस की ऐसी प्रजाति से बिलोंग करता है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ये वायरस ट्रांसफ़र होता है और वहीं से पनपना शुरू करता है। और जिस प्रकार से ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसमिट होता है, उसी प्रकार से ये अपने आप को रिप्लिकेट और डुप्लीकेट करते रहता है। तो सबसे बड़ी बात हम करेंगे जो लॉकडाउन की स्थिति अभी हमारे देश में चल रही है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस संकट के घड़ी में कृपया आप अपने आप को आइसोलेट करके रखें, लॉकडाउन में घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि जब आप लॉकडाउन में अपने घर से बाहर निकलते हैं तब हो सकता है कि कोई संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आए और वहां से आपको भी कोरोना का संक्रमण आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाए। जो टोटल बात है लॉकडाउन के करने की गवर्नमेंट की, वो यही है कि आप अगर सेफ हैं तो सेफ रहें, या आपसे अगर आपके अंदर ये वायरस किसी भी मीडियम से आ चुका है तो उस मीडियम से आप किसी दूसरे को ये वायरस ट्रांसमिट ना कर सकें। लॉकडाउन के पीछे यही सबसे बड़ी मंशा है सरकार की कि इसके ट्रांसमिशन को रोका जाए। इसका ट्रांसमिशन अगर हम रोक लेते हैं तो हमारे डॉक्टर्स जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट हैं उन पेशेंट को पूरी शिद्दत से, पूरी तजुर्बे से, पूरे विश्वास के साथ ट्रीट कर रहे हैं, जी जान से उनको बचाने के लिए लगे हैं। हमारा और आपका जो मेन अगर दायित्व कहें, कर्तव्य कहें, तो सिर्फ एक है कि हमें अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स को कम करने हैं, सामाजिक जो संपर्क हैं
उसको कम करने हैं, समाज से दूरी बनाना है, हमें कहीं भी झुंड नहीं लगाना है। दोस्तों, अगर हम झुंड लगाना छोड़ देंगे, हम गपशप करना छोड़ दें, 10 लोग मिलके, 5 लोग मिलके जो गपशप हम कर रहे हैं उस गपशप को छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं हम कोरोना से लड़ने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो इस वायरस का ट्रांसमिशन नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये वायरस सबसे पहले चाइना में था, चाइना से शुरू हुआ, वुहान शहर से, और आज दुनिया के लगभग सारे देश में इस वायरस का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और सिर्फ एक जरिया जिसके कारण लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, वो एक जरिया है सोशल कॉन्टैक्ट। सोशल कॉन्टैक्ट, सामाजिक संपर्क, सामाजिक संपर्क ही एक ऐसा जरिया है जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते आज कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 6 लाख से ऊपर पूरे विश्व में हो चुकी है। हमारा देश, जिसमें आज की अगर मैं बात करूं, करेंट सिनेरियो की बात करूं, तो हमारे देश में भी ये संख्या आज 1000 से अधिक कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या पहुंच चुकी है, जो काफ़ी, आज के दिन की बात करें तो 100 से ऊपर लोगों में इसका संक्रमण देखा गया, 100 से अधिक लोगों में इस कोरोना के संक्रमण को देखा गया है। गवर्नमेंट बार बार कह रही है लॉकडाउन का समर्थन करिए, प्रशासन पूरी तन्मयता के साथ लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। हमारा और आपका सिर्फ एक ही सहयोग होगा लॉकडाउन को सफल बनाने में, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में, और अपने घरों में बैठने में ही हमारा और आपका हित है। दोस्तों, घर पे बैठना टफ है, खासकर बात करें उन लोगों की जो सोशल हैं, जॉब में हैं, और जिनका डेली का काम रहा है लोगों से कांटेक्ट करने का। ऐसे लोगों के लिए घर पे रहना काफ़ी टफ है, तो क्यों ना कुछ दिन हम जो भी हमारे संसाधन हैं उन संसाधनों का प्रयोग करके सोशल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, और जो फिजिकल कांटेक्ट है उससे कुछ दिनों के लिए दूरी बना लें, पहला। दूसरी चीज बात करूंगा मैं, खासकर अभी बात कर रहा हूं नौकरी पेशा लोगों की। इस समय एक ऐसा पीरियड है जिस समय हम लोग अपने घरों पे हैं, अपने परिवार के साथ हैं। दोस्तों, नौकरी पेशा इंसान बहुत ही मुश्किल से अपने परिवार के लिए समय निकाल पाता है, और ये समय एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है जिसमें हम अपनी फैमिली को कुछ समय दे पा रहे हैं। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि बड़ों के साथ बैठिए, उनके कुछ चर्चाएं कीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों की अगर कुछ समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिए, फैमिली को अपने समय दीजिए, क्योंकि आपको कभी जब आपकी जॉब फिर से अपने रूटीन में आ जाएगी तो फिर ये समय आप अपनी फैमिली को नहीं दे पाएंगे। बहुत से फ्रेंड्स हमारे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि समय व्यतीत नहीं हो पा रहा है। सो फ्रेंड्स, समय व्यतीत नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आप कुछ नए स्किल्स अपने अंदर सीखिए, बिकॉज हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, और ये एक ऐसा समय है जिसमें हमारे पास बहुत ही अधिक टाइम है अपने स्किल्स को बढ़ाने का। ऐसे समय में इस समय को यूटिलाइज करते हुए मैं कहूँगा कि आप कुछ नए स्किल्स ज़रूर सीखिए जो
आपके फ्यूचर में, आपके प्रोडक्टिविटी को और अधिक बढ़ाने में हेल्प करेंगे। ये सारी चीज़ें करते रहिए। आज लॉकडाउन के कारण समस्याएं तो हैं, बट अगर उसको, समस्याओं को अपॉर्चुनिटी में हम परिवर्तित कर लें तो हमें खुशियां मिलेंगी, तकलीफ नहीं होगा। समय नहीं कट रहा है तो स्किल्स सीख लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ स्किल्स ऐसे हैं जिसके लिए आप दूसरों की सहारे लेते हैं, लेकिन आज आपके पास समय है कि आप उन स्किल्स को सीख करके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लें। दूसरी बात मैं करूँगा, खासकर यंगस्टर्स की, यंग जनरेशन के स्टूडेंट्स की, ये आपके लिए भी एक टफ समय है, आपके लिए भी मेरा कुछ सजेशन है। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर यंगस्टर्स, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी स्टडीज़ पे फोकस करिए। खाली समय मिलता है उस समय कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो घर में रह के हो सकती हैं, उस समय में आप उस समय को यूटिलाइज़ करके कुछ स्किल्स आप भी सीखिए। जो भी स्किल आपको पसंद है उन स्किल्स को सीखने की कोशिश करिए। आज आप एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पे आपका मुख्य फोकस स्टडी पे है, और ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आपको कि आप कुछ नए स्किल्स सीखें जो आपके फ्यूचर इन द लाइफ काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। तीसरी बात मैं करूँगा, जो किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, किड्स के लिए भी हमारी कुछ सजेशंस हैं जो उनको फॉलो करना चाहिए। सो किड्स, आप लोगों के लिए भी मैं कहूँगा कि ये ऐसा समय है जिसमें आप स्टडी करिए, और स्टडी करना क्या है, आप बुक्स पढ़िए, मोरल लेसन्स जिसमें हैं, नैतिकता की शिक्षा ग्रहण करने का बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। नैतिक मूल्यों को पहचानिए, आज के समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, तो नैतिकता से जुड़ी हुई किताबों को पढ़ने का प्रयास करिए, जिससे आपका विकास जो होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, आप समाज में एक अलग पहचान बनाने के काबिल हो पाएंगे। नैतिक मूल्यों की शिक्षा जरूर लीजिए, चाहे वो बुक से लीजिए या अपने पेरेंट्स से लीजिए या अपने जो भी आपकी फैमिली में बड़े लोग हैं उनसे आप लोग नैतिक मूल्यों की शिक्षा लीजिए, क्योंकि समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, और ये जो लॉकडाउन का समय है उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करके आप कुछ मोरल वैल्यूज़ अपने अंदर ऐड कर लीजिए। बात करूँगा इसके बाद, जो हमारे माता और बहनें हैं, ये लॉकडाउन का पीरियड है और इस समय फैमिली में लगभग सारे मेंबर साथ हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस समय को जितना बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं उतना बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करिए। अपने फैमिली के साथ समय बिताइए, एक फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचिए समझिए, और किसी के लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पे आप साथ बैठ के उन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज ये समय आपकी लाइफ में फिर से नहीं आने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये तमाम बातें मैं आप लोगों के लिए आज सोच के बैठा था, दिन भर से प्लान कर रहा था कि कब आप लोगों से जुड़ूं और अपने विचार आपको समझाऊं बतलाऊं। लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूंगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। जितना अधिक आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ही ज़्यादा सेफ आप अपने आप को रखेंगे, अपने परिवार को रखेंगे, अपने सोसाइटी को रखेंगे, और अल्टीमेटली आप अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान करेंगे।
मैं लास्ट में यही कहूँगा, लॉकडाउन से घबराइए मत, इसको प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज़ करिए, लॉकडाउन को अपॉर्चुनिटी समझिए, प्रॉब्लम मत समझिए, और लॉकडाउन के समर्थन में अपने घरों में बैठ के अपने आप को और ही ज़्यादा इफ़िशियंट बनाइए, जिससे कल को आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि कोरोना वायरस से बचना है तो दूरियाँ बनानी होंगी, हाथ को समय समय से धुलना होगा, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना होगा, और अगर बहुत आवश्यक है, कहीं आना जाना है, उस केस में मास्क का प्रयोग करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।